हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आरके इंफोटेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 5 जुलाई 2018 को जियो की 41वीं एनुअल जनरल मीटिंग थी और इस मीटिंग में जियो की तरफ से बहुत से खास अनाउंसमेंट हुए हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक एक साल पहले जियो ने अपना 1500 रुपए का फोन लॉन्च किया था, जो आप सभी ने देखा और बहुत से लोगों ने इस्तेमाल भी किया था। और तब से लेकर आज तक जियो ने अपने यूजर्स को अपने हर तरह के नए नए ऑफर से खुश किया है, चाहे वो सस्ता नेट हो या कैशबैक। और जियो ने अभी तक जितने भी ऑफर दिए हैं, उन सभी से बड़ा और अच्छा ऑफर अब आपके लिए लेकर आया है, जिसमें बहुत सारी चीजें जियो आपको देने वाला है, जैसे कि जियो DTH, जियो ब्रॉडबैंड और जियो फोन 2। डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जियो ब्रॉडबैंड के बारे में कुछ खास बातें बताता हूँ। जियो ने अपना खुद का ब्रॉडबैंड लॉन्च किया है, जिसको नाम दिया गया है जियो गीगा फाइबर नेट, जिसमें आपको 3 महीने के लिए सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री मिलेंगी। 100 GB डेटा पर मंथ आपको मिलेगा 100 MBPS की स्पीड के साथ। कॉल और SMS आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। अब मैं आपको जियो DTH के बारे में कुछ खास बातें बता दूं, जिसको जियो ने नाम दिया है जियो गीगा TV। इसमें आपको जियो की तरफ से पूरा DTH कनेक्शन मिलेगा, साथ में 3 महीने की सर्विस भी बिल्कुल फ्री मिलेगी। और सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको VR कनेक्टिविटी की फैसिलिटी मिलेगी, जिसमें आपको 360 एंगल में 4K रिजोल्यूशन पिक्चर की क्वालिटी मिलेगी। और एक खास बात और, अगर आप स्मार्ट TV यूज करते हैं तो इसमें आप किसी और गीगा TV यूजर को वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, वो भी फुल HD क्वालिटी के साथ। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जियो ये सर्विस एक साथ पूरे इंडिया में नहीं देने वाला। जियो ने कहा है कि ये ब्रॉडबैंड सर्विस और जियो DTH की सर्विस पूरे इंडिया के सिर्फ 1100 सिटीज में ही देने वाला है और 15 अगस्त से इसकी प्री रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाली है। 15 अगस्त के बाद जिस भी सिटीज से सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे, जियो DTH और जियो ब्रॉडबैंड की सर्विस उस सिटी में सबसे पहले लगाई जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिटी में ये सर्विस सबसे पहले आए, तो सबसे पहले आप जियो की वेबसाइट पे या MyJio के एप्लीकेशन से रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। अब जियो फोन 2 के बारे में कुछ खास बातें जान लीजिए, जो न्यूज सबसे इम्पोर्टेंट है। जियो ने अपना नया फोन लॉन्च किया, जिसको नाम दिया गया है जियो फोन 2। दिखने में तो ये ब्लैकबेरी के जैसा है, लेकिन इसके सारे फीचर्स जियो के पुराने वाले फोन के ही है। इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए, बस स्क्रीन का साइज लैंडस्केप में कर दिया गया है और कीपैड और कैमरे में थोड़े चेंजेस किए गए हैं। बस बाकी सारी चीजें वही हैं जो पुराने वाले फोन में आपको मिली है। पर इस फोन के प्राइस को पहले वाले फोन के प्राइस से डबल कर दिया गया है। पहले वाला जियो का फोन आपने 1500 रुपए में खरीदा था और ये वाला फोन आपको 2999 रुपए में दिया जाएगा। पिछली बार जब जियो ने अपना फोन लॉन्च किया था, तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, किसी को फोन मिला और किसी को नहीं मिला। अब आने वाले टाइम में देखते हैं कि जियो फोन 2 किस-किस को मिलता है और किसको नहीं मिलता। तो दोस्तों, जियो की ये सारी सर्विसेज आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसी ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।